Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with Saraswati Mata Mantra. Om Ehi Kali Maha Saraswati Deviye Nama. Om Dev Guru Vidyadhipate Vraspate. Let's start with today's work. In this session, I am going to teach you sum number 6, 7, 8 and 9, which is based on cube identities. In this class, we are going to discuss 6, 7th, 8th and 9th, these 4 questions of exercise 2.5 from your NCERT. These 4 questions based on 6, 7th, 8th and 9th identity. So, in this section, I am covering 6th, 7th, 8th and 9th identities. Let's first start. You must commit to memory these identities. It means you have to learn these identities by heart. A प्लस बी होल क्यूब. स्टूडेंट्स हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारा आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी. जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से साइन चेंज होकर ये प्लस का हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए यूज करेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स आज आपने उसके आगे आपने 5 आइडेंटिटीज पहले नोट करी हैं, तो आज 6, 7, 8 और 9 नंबर की आइडेंटिटीज और नोट करेंगे, जिन पर हमारी एनसीईआरटी के आज क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिक्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ सिक्स क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इन क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब यहां पर आपको डायरेक्ट मिलेगा, क्यूब्स वर्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्यूब की आइडेंटिटी. अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर बीच में माइनस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली. अब मैंने आपके लिए इसके दो पार्ट सॉल्व करे हैं, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, 2x + 1 का होल क्यूब बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस वाला है तो हम आइडेंटिटी प्लस वाली यूज करेंगे. वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. अच्छी तरीके से फॉर्मूला लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये ए होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी होती है. इसमें साइन नहीं लेना, साइन क्योंकि फॉर्मूले में आ गया, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. तो पहले इनके स्क्वेयर खोल लेना, 2 × 2 = 4x² 4 × 3 से करेंगे 12x², 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 2 × 3 = 6 × 1 = 6x. इसका जब क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 लिखकर क्यूब करेंगे, 8³ = 1 आंसर आ जाएगा. इसका स्टूडेंट्स मैंने एक पार्ट और डिस्कस किया है, एक्स माइनस 2/3y होल क्यूब. अब माइनस का साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी नोट कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. अब इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ए और सेकंड वैल्यू बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर. तो पहले इनके स्क्वेयर सॉल्व कर लेना, ये खाली एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा, 4/9 वाई स्क्वेयर, जो कैंसल होगा कैंसिल कर देना, नीचे 3 बचेगा, यहां 3 से 3 कैंसल हो जाएगा. तो एक्स क्यूब 2 का 3 times क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा, 27y³. स्टूडेंट्स आप इधर देखो, आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, जब हम 2/3y का क्यूब करेंगे तो इट मींस मुझे इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, और y का क्यूब भी होएगा तो 8/27y³ बनेगा, यानी कि इसका भी क्यूब करना है, इसका भी करना है और इसका भी करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा नीचे. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सम, 7 सम. इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. कल स्टूडेंट हमने ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाला भी किया था, आज हमने आइडेंटिटी को यूज करना है क्योंकि क्यूब दिया हुआ है. अब स्टूडेंट्स आपको इनका मेथड पता है कि हमें कोशिश करनी होती है इसको 10 या 100 में लिखें. अगर हमारे पास 99 का क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, और यहां पर फिर आपका वही आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब. क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये माइनस है स्टूडेंट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाला सम भी मैंने सॉल्व करा है आपके लिए। हमारे पास अब जैसे मैंने एक सम और ले लिया, जैसे हमारे पास 99 था तो मैंने 100 माइनस 1 का क्यूब हो गया बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिख दी। अब इनका क्यूब करो, फर्स्ट वैल्यू 100, बी हमारे पास 1, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, पहले इसका स्क्वेयर कर लेना, 1 के साथ 4 जीरोज आ जाएंगे, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 30,000, 1 का स्क्वेयर 1,300। जब 1 का क्यूब करेंगे तो 6 टाइम जीरोज लगेंगे, आपने इसको गलत नहीं करना स्टूडेंट्स। यहां पर जब आप 100 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब इसमें कितनी जीरोज आएंगी, 6। कैसे? क्योंकि 100 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो यहां पर हमारे पास 6 जीरोज आ जाएंगी। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, फिर ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 8th क्वेश्चन रहने वाला है, हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है वो हमें सिंपल इसको कन्फर्म, यहां पर जब हमारे पास था तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज दोनों तरीके से यूज होती हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। आप यहां पर देखो जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटीज करवाई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को वापिस ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने 8th क्वेश्चन में उसको वापिस हमने फैक्टराइज की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया है इसका, वर्ड 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वेयर बी प्लस 6 ए बी स्क्वेयर। तो आप सबसे पहले इसको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करो। देखो हम 8 ए को लिख सकते हैं 2 ए का होल क्यूब और बी को लिख सकते हैं बी का क्यूब। जब ये दोनों लिख लिए तो आगे अपना फॉर्मूला में क्या बनाना है, 3 ए स्क्वेयर बी, तो 3 इंटू ए का स्क्वेयर इंटू बी, तो देखना सॉल्व करके यही आएगा, 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12 ए स्क्वेयर बी। अगला पार्ट बनाओ 3 ए बी स्क्वेयर, ए की जगह 2 ए और बी की जगह बी स्क्वेयर, तो ये फॉर्म में लिखा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। तो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो मेरा ए 2 ए और बी क्या है, मेरे पास बी खाली बी है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 ए प्लस बी का होल क्यूब। और अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको कितने टाइम्स लिखकर दिखाएंगे, 3 टाइम्स लिखकर दिखाएंगे। स्टूडेंट्स इस सारे क्वेश्चन में आपने यही करना है। अब मैं इसमें से आपको एक और पार्ट कर दिखा देती हूँ, इसका 5th पार्ट मैं आपको कर दिखा देती हूँ, आपका और कन्फ्यूजन भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ 5th पार्ट। इसके 5th पार्ट की स्टेटमेंट लिखकर मैं आपको एक सम और इसका करके दिखाती हूँ। हमारे पास गिवन है 27 पी क्यूब माइनस 1 बाय 216 माइनस 9 बाय 2 पी स्क्वेयर प्लस 1 बाय 4 पी। अब मुझे देखते ही ये पता लग गया, क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ रहा है तो इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले मुझे दो होल क्यूब बनाने हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 पी का होल क्यूब और इसको लिख सकती हूँ 1 बाय 6 का होल क्यूब। जब मेरे पास 3 होल क्यूब बन जाते हैं तो नेक्स्ट काम आसान हो जाता है, 3 ए स्क्वेयर बी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, हम इसी को देखकर बनाएंगे बस, जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखो कैसे, मैं इस पार्ट को सॉल्व करके दिखाती हूँ, 3 इंटू 9 पी स्क्वेयर इंटू 1 बाय 6, ये कटेगा 2 आ जाएगा, तो देखो 9 बाय 2 पी स्क्वेयर बचा, तो हम इसको इस मेथड से लिख लेंगे। अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a मेरे पास क्या है 3p, b कितना है 1 बाय 6 का होल क्यूब। अगर मुझे इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट्स मुझे कितने टाइम लिखना पड़ेगा, मुझे 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, दैट इज माय आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वाले सेशन में हमारे 8 तक ही क्वेश्चन कवर होते हैं और ये आपके सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, 6th एंड 7th आइडेंटिटी पर जो मैंने आज करवाई है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो मैंने अगली आपको 8th और 9th आइडेंटिटी करवाई है उस पर बेस्ड मैं 9th और 10th पार्ट कराऊंगी। अब आप ध्यान से सुनेंगे आपका क्लास वर्क क्या रहेगा। आपके क्लास वर्क में एक ये वाला क्वेश्चन आप क्लास वर्क में कर भेजेंगे मुझे, एक आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्लास वर्क में और एक आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे एज अ क्लास वर्क। ये 3 आपके क्लास वर्क रहेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे जो मैंने नहीं सॉल्व करे वो वाले। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और स्टूडेंट्स आप में से जो भी फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर जाकर आपके सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और मैथ्स में कोई भी लेक्चर मेरा स्किप मत करो स्टूडेंट्स, क्योंकि हर छोटी चीज मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।